अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूँ अफीफा मैया और मैं हूँ साजिया जमाल। सबसे पहले हेडलाइन, कराची समेत सिंध भर में कोरोना सेफीज के तहत आज कारोबार बंद, जबकि बसों और ट्रेनों में 50% मुसाफिर कोरोना सेफीज के साथ सफर कर सकेंगे। ताहम इस दौरान करियाना मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें और बिक्रियाँ खुली रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान में कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर करवाने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत और आईजी को हुक्म दिया कि इलाके में अमनो अमान को यकीनी बनाएं। लाहौर में पब्लिक बसों के काउंटर को खत्म हुए 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ताहाल नई बसेस लाने में नाकाम। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। शहरी ट्रांसपोर्ट की कमी के बाद शदीद परेशानी का शिकार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजनी और हरात मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में जा चुके हैं, जिसके बाद तालिबान के जेरे कब्जा सूबों की तादाद 12 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौजी के नाइक जियाउद्दीन भी शहीद हो गए। इस्लामाबाद में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास ताज तलब, इजलास में चीनी की कीमत, इसकी दस्तयाबी और मजमूई स्टॉक का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 59,504 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,619 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वायरस से 79 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सेनेट की कायमा कमेटी ब्राइस लास के रुकन इरफान सिद्दीकी के मुताबिक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्याम की हुकूमती तजवीज पहले से दबाव में आए मीडिया को मजीद खौफजदा करने और आजादी इजहार राय को कुचलने के मुतरादिफ है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने अफगानिस्तान में 3,000 फौजियों की तैनाती की तस्दीक कर दी। अमरीकी फौजी 24 से 48 घंटे में काबुल के हामिद करजे एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर अपने शहरियों को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के पहले मैच की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 217 रन्स पर आउट हो गई। पहले दिन के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ी 2 रन्स पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से दोनों विकेटें मोहम्मद अब्बास ने ली। बारिश के बाइस पहले दिन 90 ओवर्स का खेल पूरा न हो सका। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़।